एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कूलिंग सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 2.1 का। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर वन। चलिए राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें एक इक्वेशन दी गई है और हमें कोफिशिएंट लिखने हैं किसके, एक्स स्क्वायर के। किसके कोफिशिएंट लिखने हैं हमें, एक्स स्क्वायर के। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स यहां पे इक्वेशन में क्या दिए हुए हैं, देखिए द गिवन पॉलिनोमियल, द गिवन पॉलिनोमियल 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यही है। अब हमें बताना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अब आप लोग बोलोगे एक्स स्क्वायर के साथ तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। नहीं बच्चे, ध्यान से देखें यहाँ पे। अब यहाँ पे वन है, वन को मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर के साथ तो क्या वैल्यू होती है, एक्स स्क्वायर। इट मीन यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, वन। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज वन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट पे। सेम हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। द गिवन पॉलिनोमियल 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, तो क्या होगा। अब यहां पे माइनस है, अगर मैं माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। इट मीन क्या मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास, माइनस वन। क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस वन। तो यहां पे हम लिखेंगे माइनस वन, ठीक है। चलिए अब थर्ड पार्ट पे, द गिवन पॉलिनोमियल, द गिवन पॉलिनोमियल पाई बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, अब क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, पाई बाय टू। क्लियर, ये था हमारा कोफिशिएंट्स कैसे फाइंड करते हैं। हमने तीन पार्ट्स में कर लिए कोफिशिएंट्स कैसे फाइंड करते हैं एक्स स्क्वायर के। अब चलते हैं लास्ट पार्ट पे। तो यहां पे भी देखो, द गिवन पॉलिनोमियल अंडर रूट टू एक्स माइनस वन, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहां देखो इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं है कहीं पे भी, तो कोफिशिएंट क्या होगा, जीरो इज जीरो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल डिग्री 35 एंड मोनोमियल डिग्री 100। आपको पता है बाइनोमियल क्या होता है, टू टर्म्स होती हैं। अब हमें टू टर्म्स लिखनी है जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 35, और सिंगल टर्म लिखनी है। मोनोमियल क्या होता है, वन टर्म, उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 100। चलिए एग्जांपल लिखनी है हमें, ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 कैन बी, हम लिख सकते हैं 3x 35 माइनस 4। बच्चे जरूरी नहीं है कि 3x 35 लिखें, माइनस 4 लिखें, आप लोग 2x 35 प्लस 6 लिख सकते हो, 4x 35 प्लस 7 लिख सकते हो, क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल पूछी है तो मैंने ये एग्जाम्पल लिखी है। आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैंने 3x 35 माइनस 4 लिख दिया तो आप भी यही लिखो। बाइनोमियल का मतलब ही क्या होता है, टू टर्म्स में हमें लिखना है, बट उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। इसलिए मैंने अपनी मर्जी से लिख दी। आपके पास ये एग्जांपल भी है, कुछ भी हो सकती है, जैसे 5x 35 प्लस 8, 5x 35 माइनस 9, कितनी एग्जांपल्स बन गई, बट उसमें डिग्री क्या है हमारी, 35। आप लोग ये भी लिख सकते हो 6y 35 प्लस 7, ये सारी क्या है, बाइनोमियल की एग्जांपल है, और उसमें डिग्री कितनी है, 35 है। तो आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो।
चलिए अब सेकंड एग्जांपल लिखते हैं मोनोमियल की। मोनोमियल, ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 कैन बी 2y100। अब मैंने 2y100 लिखा, आप 6z100 लिख सकते हो, 7t100 लिख सकते हो, 5x100 लिख सकते हो। ये ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोमियल, क्योंकि सिंगल टर्म है। ये सारी एग्जांपल किसकी हैं? मोनोमियल की हैं। तो मैंने 2y100 लिखा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, चॉइस इज योर। हमें एग्जांपल लिखनी थी, हमने एग्जांपल लिख दी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमें इसमें डिग्री लिखनी है, तो हमें गिवन पॉलिनोमियल क्या दिया गया है? द गिवन पॉलिनोमियल 5x³ प्लस 4x² 7x। अब इस इक्वेशन में देखिए हाईएस्ट पावर कौन सी है? जो हाईएस्ट पावर होगी वही इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो हम लिखेंगे द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3। सो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। ये था फर्स्ट पार्ट का आंसर। चलिए सेकंड पार्ट सेम। हमें हर इक्वेशन में जब भी डिग्री बोला जाएगा और हमें हर इक्वेशन में उस इक्वेशन में देखना है पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, वही इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। द गिवन पॉलिनोमियल फोर माइनस वाई स्क्वायर द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल y इज 2। सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4th का सेकंड पार्ट। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3rd बोल रहा है द गिवन पॉलिनोमियल फाइव टी माइनस रूट 7 द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल टी इज 1। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 4th के लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है? सिंस 3 दिया हुआ है, अब इसकी डिग्री देखनी है हमें। सिंस 3 = 3x⁻⁰ लिख सकते हैं हम, और हमें पता है एनीथिंग रेस टू और 0 क्या होता है? 1। ठीक है, सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0। तो हम इसको 0 पॉलिनोमियल भी बोलते हैं या इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ।
क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बोल रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस किया था लीनियर क्या होता है जिसकी पावर वन होती है, क्वाड्रेटिक क्या होता है जिसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री टू होती है। हमने देखना हाईएस्ट डिग्री, ठीक है, जो हाईएस्ट डिग्री होगी वही हमारा लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक होगा। अगर थ्री होगी हाईएस्ट तो क्यूबिक होगा, अगर हाईएस्ट टू होगी तो क्वाड्रेटिक होगा, अगर पावर वन होगी तो लीनियर होगा। चलिए फर्स्ट पार्ट, द डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, द डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज टू, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट पे, द डिग्री ऑफ एक्स माइनस एक्स क्यूब इज थ्री सो इट इज ए क्यूबिक पॉलीनोमियल। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था जिसकी डिग्री टू होगी वो क्वाड्रेटिक होगा, जिसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री होगी थ्री वो क्यूबिक होगा। अब चलते हैं, द डिग्री ऑफ वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर, हाईएस्ट डिग्री क्या है टू सो इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो डिग्री ऑफ वन प्लस एक्स इज, एक्स की पावर यहां क्या है वन, सो इट इज ए लीनियर पॉलीनोमियल। फिफ्थ पार्ट, द डिग्री ऑफ थ्री टी, अब हमें बताना है इस टी की पावर क्या है हमारे पास वन, तो सो इट इज ए लीनियर पॉलीनोमियल, लीनियर पॉलीनोमियल। हमें याद रखना है हाईएस्ट डिग्री देखनी है, अगर हाईएस्ट डिग्री टू है तो क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट डिग्री थ्री है तो क्यूबिक, अगर पावर वन है तो लीनियर। अब आर की पावर टू है, द डिग्री ऑफ आर टू इज टू सो इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। लास्ट पार्ट, द डिग्री ऑफ सेवन एक्स क्यूब इज थ्री सो इट इज ए क्यूबिक पॉलीनोमियल। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।